भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी बाबा साहब तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। निकलो भाई मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, तख्त बदल दियो ताज बदल दियो, बेईमाना दा राज बदल दियो, तख्त बदल दियो ताज बदल दियो, बेईमाना दा राज बदल दियो। निकलो भाई मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। भीम राव जी तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भीम। जय भारत। भीम राव जी तेरी सोच ते जय भीम। जय भारत। जय भीम। जय भारत। बाबा साहब तेरी सोच ते तेरा ध्यान ठोके। NKNTV देख रहे सारे श्रोतियां दा स्वागत है। साडे देश भारत दे सारे देशवासियां दे वास्ते कल दा 15 अगस्त दा दिन बड़ा महान खुशियां भरिया दिन है कि इस दिन साडा देश भारत आज़ाद होया सीगा उस वेले दियां ओ सरकारां तों ओ गोरियां दियां सरकारां तों। पर यह आज़ादी का निग कौन माण रहा किन्ना क माण रहे ने इस मैं गल करांगा। साडे बहुत सारे सज्जन इस वेले बंगा दे डॉक्टर अंबेडकर पार्क के अंदर साडे सज्जन साडियां भैणां खड़ियां ने ते ओ असल आज़ादी ओ किन्हां दे घर पहुँची आ जां इन्हां दे घर जां होर भी बहुत सारे गरीब लोग इदां दे ने जिन्हां दे कोल एक भी इंच थां नहीं झुग्गियां च रहिंदे ने ते ओ की कारण बणिया उहनां दे घर आज़ादी नहीं पहुँच सकी की कारण अज भी बजुर्ग जिहड़े बड़े साडे सत्कारयोग हुंदे ने जिन्हां ने वो आज़ादी वाला वेला भी देखिया हैगा वो जदों बैंकां दे विच पेंशन लैण जांदे ने धक्के मारदे पहलां पांचा सरपंचा तो धक्के ते बाद दे विच बैंक दे मुलाजमां तो कर्मचारियां गनमैनां तो धक्के की कारण है अज भी की कारण है। उस वेले देश भगतां दा सुपना सी हर एक दे लई विद्या जिहड़ी है वो बराबर होवे की कारण बणिया झुग्गी चौपड़ियां महल्लियां दे विच रहण वाले लोग जिहड़े कॉन्वेंट स्कूलां दे विच उहनां दे लई दरवाजे बंद ने इत्थे भी गल करांगे इस ते भी कि अज पूरे पंजाब दे विच लखां नौजवान इस वार अपना दाखला लैण तो रह गए क्योंकि उन्होंने जिहड़े दाखले लई उन्होंने को पैसा नहीं सी। देश भगतों ने बाबा साहब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी देश साडे देश दे संविधान दे निर्माता उन्हां दा सपना सी कि सारे बराबर होण बराबरता क्यों नहीं हो सकी अज गल करांगे। बहुत सारे ने इस वेले डॉक्टर अंबेडकर पार्क दे विच सब तो पहला जय भीम जय भारत जी। जय भीम जय भारत। NKTV ते सारे साथियों नूं श्रोतियां नूं मेरे वल्लों जय भीम जय भारत। साथियों मैं मक्खण सिंह तारपुरी प्रधान पंजाब समाज भलाई परिषद जिदा अपना अज जिहड़ा 15 अगस्त आ 15 अगस्त इस देश नूं आज़ादी दे तौर ते लोग मनाउंदे ने। मेरी उम्र 52 साल दी है मैं पिछले 25 साल तो इहनू 15 अगस्त वाले दिन असीं रोस मार्च करदे हां। ये रोस मार्च क्यों करते हैं पूरी UNO जो भी पता जिहड़ा 15 अगस्त वा वो खास करके 85% लोगों को 15 अगस्त का कोई फायदा नहीं जिहड़े 85% लोग वा उन्होंने 15 अगस्त का कोई फायदा नहीं। कारण यह आ कि सारे केंद्र दीआं सरकारां ने सूबे दीआं सरकारां ने प्राइवेट सैक्टर करते
जदों के भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 14 ए बाबा साहब ने स्पष्ट लिखा कि इस देश के अंदर जो मूल निवासी लोग ने उन्होंने सिविल राइट जोड़ा आ वो पहला आ जे देश दे विच कोई 10,000 चीज़ हासिल होनी हो 9,000 जी चीज़ आ उस देश के मूल निवासियों मिलनी होंगी आ 1,000 जी 15% इतने उल्ट हो रहा इतने जोड़ा 90% वा वो 15% मिल रहा 10% जोड़ा आ 85 मिलता वो कारण यह आ कि जोड़ा साडा समाज वा वो अपने राइट लई अपने हक लई वो यात्रक नहीं वो जागृत नहीं हो रहा वो देख रहा कि जो मेरे नेड़े का बंदा आ मैं उन्हें रखा मैं कल पिछले 20-25 साल तो जद चलती गल आ रही है मेरे कहण तो भाव वा जो 15 अगस्त वा वो ये देश का गुलामी का दिन वा साडे समाज नूं कदों समा आएगा हर एक देश का बच्चा बच्चा जिहड़ा झुग्गियां च रहण वाले वह लोग भी सोचणगे 15 अगस्त है आओ भी आपां तिरंगे झंडे अपने अपने घर के उत्ते लाइए कदों समा आएगा वो समा उदों आऊगा जदों साडा 85% बहुजन समाज जिहड़ा आ जाग जावे जिन्हें तक इस देश दे विचों ईवीएम आउण दे विच कितें ना कितें इदां भी रही रहे तुसीं भी उहनां काम नहीं कर सके जगाउण दे लई नहीं नहीं ये नहीं असं कह सकते असी काम जिन्ना क मेरे को सोर्स है उन्ना असी काम जगाते हैं पर जागण तो बाद जो कि गल जाती है तारपुरी हुई आके करके गए साडे समाज के बंदे जाके तो प्रैशर करते यार छड़ो असी वधिया लीडर साढ़े को एसी वाली कार वा साडे नाल बैठो SSP मेरा आ फलाना मेरा आ इस गल ते पहला जिक्र हो गया मैं ये कहना चाहना भी लोगों के घर हर घर के उत्ते देश के हर नागरिक के घर के उत्ते कदों झंडा लहराएगा तिरंगा देश के 15 अगस्त वाले दिन वो झंडा इको देश लहराना जिदन इन्होंने बाबा साहब के मिशन को अपना लिया जिदड़े समझ गए कि असी बाबा साहब न पढ़ लिया उस दिन चिपते देश में झंडा की पूरे वर्ल्ड के बाबा साहब का झंडा लहराऊगा बहुत बहुत धन्यवाद जी थोड़ा जय भीम जी मैं जी सारे अज के साडे ज अंबेडकर सेना के प्रधान है डोगर राम जी तो सारी उन्होंने करीम मैं सारे का धनवादी हाँ मैं अज भी थोड़े TV के माध्यम तो यह गल कहना कि लॉकडाउन के दरम्यान दे विच मैं जिन्ना भी किया बुढ़ा साहब मैं नहीं कहता किया समाज ने किया समाज ने वो मैं समाज ने जिन्ना सब कुछ किया ठीक वा पर धन्यवाद भी है एक बड़ी खुशी की गल वा बंगा शहर के बच्चे जो मेरी मन की तमन्ना आ कि आप मिशन तो बाद साढ़े साथी भी खड़े आ कि असी नवा शहर रविदास चौंक श्री गुरुदास चौंक का हो गया 90 दिन का असं चाहते हाँ एक बंगिया के बच्चे भी श्री गुरु रविदास महाराज का चौंक बने उस असी जंग भी लड़ांगे मेरे नाल ने इस वेले अंबेडकर सेना मूल निवासी बंगा यूनिट के प्रधान डोगर राम जी डोगर राम जी जिवें कल आज़ादी का दिहाड़ा हैगा 15 अगस्त सारे पासी चाह दे नाल देश विदेश दे विच झंडे लहराए जाने ने चाह या उत्साह आ भी साडा देश इस दिन आज़ाद होया सी तुसी इस आज़ादी नू किस तरह लैंदे हो सर पहला तो जय भीम जय भारत और NK TV वालों का खास करके निर्मल गुड़ा जी ताडा बहुत धन्यवाद आ जो तुसी इस चैनल के जरिए घर घर तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं सो तह दिल तो साढ़े समुचे SC भाईचारे लोग धन्यवाद आ जी बाकी रे सर आज़ादी की गल देखो असी तो आज़ादी नहीं मानते ठीक आ सानू बाबा साहब ने हक लैके दिते आ उन्हां दा कोट कोट धन्यवाद आ असी उन्हां दा देना कई जन्म भी इस धरती ते लै लीए नहीं दे सकते पर यह जिहड़ियां सरकारां आ इन्हां नू चाहे नत्थ रख लो कुछ भी रख लो उहदे लई सानू एकजुट होना पऊंगा और जिहड़े साडे खास करके संत समाज के लीडर आ चाहे जिहड़े अपने गुरद्वारे आ जिन्ने भी सारयां दे जिहड़े मान लो ग्रंथी रख लो जां ठेकेदार रख लो धर्म दे बणे हुआ उन्हां नू एकजुट हो के जिहड़ा बाबा साहब का संविधान आ और जिहड़ा बाबा साहब का प्रचार आ घर तक घरां घरां विच जा के पहुँचाउणा चाहीदा और बच्चों तो लैके बजुर्गों तक उन्होंने समझाना चाहिए कि वह भी जमाना सी जो सानू स्कूलों कॉलेजों के बढ़ नहीं दिता जाता सी और खास करके मैं बाबा साहब की गल करदा कि उन्हें अपने जिस हालात के दीवे की लैट के पढ़ाई की और जो स्कूले जाते तो क्लास के बाहर बिठा लिया जाता सी उन्होंने और उन्होंने जो पानी भी पीण का उन्होंने हक नहीं उन्होंने घड़े चो जो अज देखो कि हर एक पढ़ा पढ़ाने के अधिकार है पर फिर भी जो बाबा साहब का सपना सगा संविधान के अंदर उस हिसाब न लोगों पढ़न दियाँ लोगों सेहत सहूलत लोगों रुजगार ज अधिकार मिले कि नहीं मिले हाँ जी
नहीं देखो जी जो तो संविधान के अनुसार आता है बिल्कुल इस कोई शक नहीं। इस वेले चाहे तुम पंजाब पुलिस ले लो चाहे कचहरियाँ ले लो चाहे अध्यापक टीचर लैन ले लो सब तो बद साडे एससी ही भाईचारा गए ये कोई दो राय नहीं और सिर्फ कि बदौलत बाबा भीम राव साहब की बदौलत है। ये है उन्होंने कोट कोट प्रणाम पर गल साडा जिहड़ा समाज आ सानू लोड़ा चाहे राजनीतिक लीडर आ चाहे गुरुद्वारों के ठेकेदार आ चाहे को मान लो प्रधान आ जो अपने ऐसी यूनिटा बनिया आ कहने का मतलब जो बाबा साहब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी का जो मिशन से वो साडे सारे आगुआ ने वो जे हिसाब न करना चाहिए सी उन्हें फैलाया नहीं है ठीक है जिहदे करके वो आजादी जिहड़ी आ वो साडे घरां तक नहीं पहुँच सकी। की कहना चाहोगे कदों समा आएगा देश के हर नागरिक के हर झुग्गी के उत्ते भी तिरंगा झंडा लहराया जाएगा हर एक बच्चा जिहड़ा बच्चा देश का हाथ च तिरंगा फड़ के अपने अपने घर का लहराएगा कि असल च आजादी सानू हुण मिली आ कदों समा आएगा। सर बिल्कुल वो समा आऊँगा जदों मैं पहले भी बेनती की जो आप सारे ने एकजुट हो के मान लो मेरे कल नहीं जां किसी MLA को MP इन्हां दे कल्या ना नहीं जदों सारे ही एक आप एक दूजे की जिम्मेवारी समझांगे कि कल्ले बच्चे बजुर्गों नूं और जिन्हें होर जिन्ना समाज है उन्होंने बाबा साहब बारे पढ़ाया जाऊँगा उन्होंने अपनी बोर्ड का जिहड़ा अधिकार मान लो उन्होंने पता लगूंगा बोर्ड की कीमत की आ। हुण पहलां गल चली सी कि आने वाले समय में इलैक्शन वेले वो खरीद लेंदे पर मैं कहूँगा समय दियां जिहड़ियां भी सरकारां आउंदियां वो सही आ कोई गलत नहीं क्योंकि बिकदे असीं आ साडे च ताकत होनी चाहिए है कि असीं ना बिकीए कोई दारू लाउंदा अगले ते छित्र मारो बेसी नहीं दारू पीनी। कहना चाहोगे ये भी वो कदों समा आएगा जो 15 अगस्त वाले दिन चार दिन पहले ही लोगों को चा चढ़ जूगा भी 15 अगस्त जिदा ब्याह जिन्ना चा हों देश दी जा वो कदों समा आएगा। बिल्कुल सर जी वो तुहानू दस्या जी मैं पहला भी बेनती की वो समा आऊँगा जब साडे जिन्ने मान लो जिहड़े गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब रख लो चाहे ऐसी कम्यूनिटी जिन्ना यूनिटा बनिया अपने चाहे जिहड़ी भी संस्था अपनी वो सारे एकमुख हो के पिंडां विच घर घर जाके बाबा साहब का झंडा लहराऊंगे बाबा साहब का मिशन अगे लियाऊंगे संविधान है लागू नहीं है। की कहने का मतलब है सर यही है बेनती कि जिहड़ा बाबा साहब का प्रचार है देखो बाबा साहब ने तो जो साडे लई करना सी करता वो चल गए मान लो इस टाइम तो आप कह सकते पंजाबी दे विच कि जिन्होंने मान लो बाबा साहब के बारे पता ही नहीं कुछ यदा मतलब उन्होंने तो खत्म हो गए एक आम इंसान से पर जिहड़े मान लो राजनीतिक चाहे लीडर आ चाहे धार्मिक संस्थावां हुण देखो अपने पंजाब विच किन्ने गुरुद्वारे बने किन्ने संत समाज के सम्मेलन के ठेकेदार बने आ सारे संतां नूं भी चलो मैं माड़ा नहीं कहिंदा पर मैं यह गल कहना चाहूँगा संतां नूं भी हथ जोड़ के बे तुसीं घर घर बाबा साहब और श्री गुरु रविदास महाराज का जिहड़ा प्रचार आ पहुँचाओ और जब साडा समाज एक हो जाऊँगा तो असीं खुल के आजादी माणांगे आजादी तो सानूं बाबा साहब ने लै दित्ती आ पर अज दी हुण जे आपां गल करिए आपां नूं कहते आजादी नहीं क्यों साडे जिहड़े गरीब मकान आ वो कईआं दे चोर है लोग झुग्गियां च बैठे आ बरसातां दे विच बैठे आ अज जिदा थोड़े दिन हो गए आ कि मान लो लेडीज़ है एक मैं बयान करन लगा जी गुरदासपुर शहर के एक लेडीज के उत्ते तेजाब सुट्टिया गया और जिहड़ी कार्रवाई हले तक नहीं हुई कहते नहीं कि वह मुंडे का जिहड़ा डैडी सीगा वह ASI सीगा और उत्ते किसी ने आवाज़ नहीं उठाई सो मैं यही कहते नहीं उठाई क्योंकि अनपढ़ता है उत्थे की है कि ASI बहुत अफसर भी बड़ा लगा आ बहम है पर जिदा हुण मैनू अंबेडकर सेना वालों मान लो प्रधान बनाया गया अगर साडे इस हल्के दे विच होऊंगी मैं तो वध तो वध आवाज़ उठाऊँगा और अपने जिन्ने भीम आर्मी के शेर आ बब्बर उन्होंने नाल लैके मान लो हर एक कदम मैनू जो मर्जी चकना पवे अपने दलित कौम वास्ते ऐसी भाईचारे वास्ते वो मैं चकूँगा और जब असी इदा के आप काम करांगे वधिया समाज नाल जुड़ांगे तो जिहड़ी आजादी का माण आ असी नेग आ वह जरूर माणांगे पर सानू समाज के विचरना पऊंगा घर बैठे नहीं। मान लो बहुत बहुत धन्यवाद जी जय भीम जय भारत। मेरे नाल ने इस वेले अंबेडकर सेना मूल निवासी यूनिट बंगा दे जनरल सैकटरी सचिन घई जी घई साहब की कहना चाहोगे जिवें कल बहुत खुशी ते चा वाला जिहड़ा दिन हैगा आ देश दी आजादी दा 15 अगस्त दा जिस दिन आज़ाद होया सी देश आम लोगों के किदां दे हालात ने कि ये आज़ादी तो आज़ादी का निग मार रहे कि नहीं जां की कहना चाहोगे तुहाडे मन च कि गल है। सब तो पहला तो जिहड़ा कल दा साडा 15 अगस्त आज़ादी का दिन वा देश का सारे देशवासियों नूं अपने वालों जिहड़ी आ लख लख मुबारकबाद दिंदा हां पर मैं एक जिहड़ी ये गल भी नाल जिथे आपां मुबारकां इस दिन दीआं खुशियां मनाउणियां उत्थे एक गल एक जहन दे विच घुमदी रहिंदी और समाज दे विच जिहड़ी उस चीज़ की बड़ी मंग आ भरी क्योंकि जिहड़ा आ अज तक भी संविधान नूं पूर्ण तौर पर जिहड़ा आ साडे देश दे विच लागू नहीं किया गया और जिथे तक उहनूं लागू किया गया जे समाज दे विचों उठ के
डॉक्टर भीम राव अंबेदकर साहब ने इस संविधान की रचना की, संविधान की सिरजना की, जिस पर अज पूरा देश चल रहा और पूरे वर्ल्ड मन्या जाता है कि जिहड़ा हिंदुस्तान का संविधान आ ये बहुत जिहड़ा उच्च कोटि का संविधान आ। और जिहड़े इनू फेलीअर रहे हैं, फेलीअर रहने का कारण यह है मैं समझदा भी जिहड़ा बाबा साहब जी का जो सगा मिशन जो उन्हों का नारा सगा अज तक भी जिहड़ा साडा समाज और साडा देश आ उन्हूं जिहड़ा आ जां साडियां सरकारां उन्हूं जिहड़ियां आ जमीनी पद्धर ते लागू करन दे विच फेल हो गईआं। वह इस तरह क्योंकि बाबा साहब ने कहा सब तो पहला पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, सब तो पहला जिहड़ी आ पढ़ाई जिदा कि उन्होंने कहा सी भी असी जिहड़ी आ पढ़ाई बाबा साहब ने अंबेदकर साहब ने संविधान दे विच लिखिआ कि पढ़ाई का जिहड़ा हक वा हर इंसान का हर बच्चे का एक जिहड़ा आ मेन हक वा वह हर एक नूं बिना किसी भी भेदभाव तो पढ़न का जिहड़ा हक मिलना चाहिए जिहदे विच सरकार जिहड़ियां अज तक दियां वह बिल्कुल फेल हो गईआं क्योंकि निजीकरण जिहड़े आ पैसे की दौड़ लगी हुई आ हर जगह प्राइवेटेशन दे करके जिहड़ा उह फेल हो गया। दूजे नंबर ते सेहत हो गई, सेहत संबंधी तुसीं देख लो प्राइवेट हस्पताल हैगे आ उन्हां दे की हाल वा, बहुत जिहड़ियां इदां दियां कमियां हैगियां जिन्हां करके अज जिहड़ा आ समाज जिहड़ा आ उह इस पोजिशन ते आ गया कि संविधान का जिहड़ा आ ना तां कोई फायदा मिल रिहा ते दूजे नंबर ते इह आजादी जिहड़ी असली उस दिन ही सानूं मिलनी आ जिस दिन पढ़ाई दी सेहत दी ते रोज़गार दी। जे नौजवान कोई अपना जिहड़ा पैसा तेला खर्च के कर्जा चक के पढ़ भी लैंदा तां उहनूं रोज़गार नहीं मिलदा, बी ए पास एम ए पास बच्चे जिहड़े कोई रेहड़ियां ला रहे कोई बेचारा मजदूरी कर रहा। इस करके मैं कोई भी सरकार होवे सारे नूं इही इहनां दे अग्गे मंग भी करदा अपने समाज वल्लों कि जिहड़ा डॉक्टर भीम राव अंबेदकर साहब दे जिहड़े संविधान नूं जिहड़ा पूर्ण तौर ते लागू किया जाए, शिक्षा सेहत ते रोज़गार इन्हां ते जिहड़ा मेन जिहड़ा आ फोकस होने चाहिए। सब तो पहला जिहड़ा फोकस उह विद्या ते ही आ, जे असीं गल करदे हां कि समाज दे विच लोग जिहड़े आ विक जांदे आ वोटां दे विच कुछ हो जांदा, मैं सोचदा वी इहदे विच वी जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण आ उह विद्या ही आ अविद्या। अगर साडा समाज जिहड़ा बच्चे साडे पढ़ लिख जाणगे तो अपने आप जिहड़ा इस चीज़ का फर्क पैना शुरू हो जाणा। इन्नी मैं अपनी गल कहिंदा होया जिथे देश नूं इस आजादी दियां मुबारकां दिना उत्थे मैं भी कहना कि जिहड़ी आजादी आ हले उन्हां घरां दे विच नहीं पहुंची जिहड़े इन्हां चीज़ां तों वांझे आ। इस वेले मेरे नाल ने निर्मल कुमार जी जिहड़े बाबा साहिब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी की विचारधारा ते काम करदे ने, आओ मिलदे आ पुछदे आ कि जिहड़ी इह आजादी जिहड़ी हैगी आ 15 अगस्त जिवें कल नूं चाह ते उत्साह नाल देश भर दे विच मनाया जाणा हैगा, अज मैं सर्वे किया है काफ़ी झुग्गियां दे बच्चे बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं कोई पता नहीं भी कल आजादी है की है की नहीं है। आम घर महल्लियां दे विच भी मैं जाके देखिया कि लोग बहुत सारे औरत वर्ग बच्चे बहुत सारे समाज में हजे तक पता नहीं भी असल दे विच आजादी का निग हुंदा की हैगा आ। की कहना चाहोगे तुसीं इहदे लई? इहदे लई सर जिहड़ी आजादी की गल जिसों तक जिहड़ा साडा गरीब वर्ग दलित वर्ग दबिया कुचलिया वर्ग उहदे लई तां आजादी की कोई खास अहमियत है नहीं क्योंकि अज साडा समाज अज भी उत्थे ही खड़ा जिथे पहलां सी, क्योंकि जिहड़ियां राज करन वालियां पार्टियां ये ज़्यादातर जिहड़ा आपां 15% उन्हां दे हक विच ही भुगतदे हां, साडी वोट का इस्तेमाल हर तरीके दे नाल उह करदियां, लेकिन जद सानूं हक लैण दी गल आउंदी जां साडे अधिकारां प्रति आ उहदे प्रति उह वेसले आ संविधान दे नाल छेड़छाड़ हर तरीके दे नाल हो रही आ। ते जे जित्थों तक बाबा साहब ने गल पहले शुरुआत तो की सी पढ़ो लिखो संघर्ष, लेकिन जिहड़ा साडा पढ़ाई का बेस आ साडे बच्चों का गौरमेंट स्कूलों के पहला तो इन्हां ने नीति लिआंदी भी 8वीं तक किसी नूं फेल ही नहीं करना, तुसीं आप सोचो अगर किसी नूं 8वीं तक फेल ही कर नहीं करना वो तो मतलब विद्या खोई गई, विद्या खोई गई। वो तो बाद देखो जे जे साडे बच्चे का जिहड़ा बेस उत्थों ही खत्म हो गया और साडा बच्चा गाह जाके IAS IPS कि टैसट की तैयारी करूँ और के वेट करूँगा। तो जे अज साडा बच्चा पढ़ लिख के जिदा मैं खुद का बच्चा बीटेक इलैक्ट्रिकल सीगा तो इत्थे उहदा कोई गल नहीं बनी, उन्होंने बीटेक होंदे हुए भी दुबई दे विच मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड भेजा। देखो असी पढ़ाया बच्चे नूं मेहनत करके, चलो फिर भी करो थोड़ा स्ट्रोंग लगते हैं तो वो उन्हां घरां दे विच आजादी कदों जाऊगी जिहड़े अज भी झुग्गियां विच रहण लई जिन्हां दे नां ते एक भी इंच थां नहीं है, वो बेचारियां दे घरां दे विच कदों वो आजादी जाऊगी, वो कदों घरां दे विच झंडे लहराणगे? वो आजादी उस वेले आने आ जिस वेले असी वोट दा सही इस्तेमाल करांगे, आप असी वोट नूं इस्तेमाल करदे आं जिस वेले वोटां आउंदियां उस वेले कुछ समय दे विच हर किसी नूं पता राजनीतिक लीडर
कोई डरा के कोई धमका के कोई पैसे नाल कोई किसी तरह ही वोट साड़ी वेखदी आ ये कोई दो राय नहीं हर किसी को पता रैलियां देख लो हर किसी की रैली होंगी आ और शाम नू की होंदा किसी तो कोई बंदे उही होंदे रैली वक्री वक्री होंदी देखो हर एक रैली दे विच साडा समाज सब तो ज़्यादा होंदा इस विच कोई ग्रेज नहीं जिहड़ा समाज अपर कास्ट बैठा वो अपने अपने कारोबार दे विच बैठा होंदा और तुसीं रैलियां विच नोट करके देख लो बसां दे विच टैंपूआं दे विच साडा समाज दे लोक होंदे आ साडे समाज दे ही लोक होंदे आ जदकि इन्हां नू चाहीदा जाओ जाण च कोई ग्रेज नहीं पर वोट दा इस्तेमाल सही तरीके दे नाल करो और सही तां देश दे विच असल आजादी आएगी आजादी दा देखो जे राजनीति सत्ता दे विच लोक बैठे आ जे साडा समाज राजनीतिक सत्ता दे विच सही तरीके नाल बैठूगा तदे समाज दे विच साडी साडी गल गाहां उत्थे ही कानून बणने पार्लीमेंट लोक सभा दे विच उत्थे साडा जे कोई बंदा जांदा ही है जे रिजर्वेशन तौर ते जांदा गल करदे आ लेकिन वो गल खुल के उस उत्थे अपनी रिजर्वेशन भी खत्म होण दे कंडे ते आ हुण लगभग जिहड़ा वो प्राइवेटाइजेशन हो गई ये एक दिन इदां दा आ जाणा जिहड़ा देश दा राजनीतिक सिस्टम है भी प्राइवेट हो जाणा देखो सर जिहड़ी तां राजनीति दे विच रिजर्वेशन दी गल आ ये तो तुसीं साडे नाल ज़्यादा बाबा साहब ने तो उस वेले कहा सीगा कि जिहड़ी असीं राजनीति रिजर्वेशन दे विच लै के दित्ती आ ये खत्म हो जावे तां मेरे जी जीते जी तां वधिया गल आ क्योंकि जिहड़ा सा राजनीति दे विच साडा रिजर्वेशन दे आधार ते जित के MLA MP जांदा वह गल साडे समाज दी उत्थे उस तरीके दे नाल नहीं रखदा क्योंकि जिस घर दे विच ओह जित के जांदा क्योंकि घर उहदा नहीं आ है ना चाहे कोई अकाली आ चाहे कोई उन्हां दी बोली बोलदा उन्हां दी बोली ही बोलदा बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा वो भी समाज दे लई मेरे हिसाब दे नाल घात का अज आपां गल करदे आ भीम राव डॉक्टर अंबेडकर चाहुंदे सी उदां भी सारयां नूं बराबर ते अधिकार होण ओह लोकां नूं मिले कि नहीं मिले ओह तां मिले नहीं अज ताईं ओह मिले नहीं तां खुश फेर भी आ तुसीं ਉਹ ਮਿਲਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਏਕਾ ਕਰਨ ਤਰੇ ਮਿਲੂਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਕਾ ਕਰ ਲਓ ਬੇਗਮਪੁਰ ਆਪ ਸੋਹਣਾ ਪਊਗਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਰਨ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ मेरे नाल ने इस वेले सुरेंद्र कौर जी डॉक्टर अंबेडकर पार्क के अंदर पिंड दीआं बीबियां काफ़ी अंबेडकरी विचार रखते हैं की कहना चाहोगे जिवें कल नूं देश दी आजादी का दिन हैगा 15 अगस्त का असल दे विच इह आजादी नूं तुसीं किद्दां मानदे हो असीं आजादी नूं बहुत वधिया मान रहे हैं इस वेले असीं एक आजाद दूरे अहुदे ते खड़े हाँ सानूं हर एक हक लैके दित्ता अंबेडकर साहब जी ने तो असी आजादी पूरी घूमन फिरन की आजादी सानू मिली पढ़न लिखन की आजादी बराबर मिली है सानू औरतों ने बराबर के हक लैके दिते आ पर है अज भी कितने ना कितने औरत अज भी गुलाम है कि कई वेले वो अपने हसबैंड दे अगे दूसरे नीचे रह रही आ कई वेले अपने बच्चों के क्यों आजाद नहीं हो सकी अज तक औरत उन्होंने हक उन्होंने बराबर के क्यों नहीं लैके दिते जा रहे उन्होंने क्यों उन्होंने उन्होंने अत्याचार किए जा रहे वो सह भी रही आ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਰਵੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਈ ਜਾਵੇ ਮਾਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਕ 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਇੱਕ 10 ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ